जाकू राखे साइया, मार सके न कोई। कहावत पुरानी है लेकिन नई घटना पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या होगा जब चार लोग सैकड़ों टन कोयले के नीचे दब जाएं, चार दिन तक उनका कोई अता पता ना रहे, लोगों ने उनको चुका हुआ मान लिया हो, परिजन खुद को लगभग झूठी तसल्ली दे रहे हो कि उनका अपना शायद लौट आए, लेकिन तभी चमत्कार हो जाए, दबे हुए लोग अचानक सामने आ जाए सकुशल सही सलामत। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। मामला बोकारो जिला अंतर्गत पर्वतपुर कोल ब्लॉक माइंस सिलाटाड़ का है। चार दिन पहले यहाँ कोयला निकालने खान में घुसे चार लोग फंस गए। खान का चाल धस गया, सैकड़ों टन कोयला ऊपर था। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम रणनीति बनाने में जुटी थी, सोच रही थी कि आखिर कहाँ और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाए। बाहर परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन बना हुआ था। हिसाब किताब में वक्त बीतता जा रहा था, चार दिन गुजर चुके थे। उम्मीद टूटती जा रही थी कि तभी खान में दबे चारों लोग अचानक सबके सामने खड़े थे, सारी आशंकाओं चिंताओं और अनहोनी के कयासों को झुठलाते हुए। लोग हैरान रह गए जब खदान में दबे चारों लोग अचानक बाहर निकल आए। जिसने भी ये सुना हैरान रह गया। तिलाटाड़ गांव कौतूहल का विषय बना हुआ है। इनके दबे होने की सूचना फैल चुकी थी, तब गम था। जब ये लोग लौट आए तो कौतूहल जगा, आखिरकार कैसे। जिसे भी ये खबर मिली तिलाटाड़ गांव की तरफ भागा। सब लोग इन मजदूरों की एक झलक पाना चाहते थे, सवाल वही था, आखिर कैसे, कैसे इन्होंने मौत को मात दी। मजदूरों ने इसका जवाब दिया, कहा कि हम फंस चुके थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई किरण नहीं थी, ना तो सूरज की और ना ही उम्मीद की। हम जिंदा थे लेकिन बताते कैसे, ऊपर सैकड़ों टन कोयला था। आखिरकार हमने तय किया, एक दूसरे के साथ को उम्मीद बना लेते हैं, बाजुओं का सहारा बना लेते हैं। जिन बाजुओं ने इतने साल रोटी दी तो क्या जिंदगी ना देगा। तो हमने बाजुओं की ताकत पर भरोसा किया, धीरे धीरे कर पत्थर और कोयला हटाते रहे, स्याह अंधेरे को चीर कर अपनों के बीच लौट आए। ये नई जिंदगी जैसी है। जब चारों फंसे तो परिवार गमगीन था, आस छोड़ चुका था, पर जब लौट आए तो परिजनों के चेहरे पर मुस्कान आई, आंखों में आंसू भी थे, अपनों के लौट आने की खुशी थी। खुशी में भी आंसू निकलते हैं। ग्रामीणों ने चारों का स्वागत किया, लोगों का तांता लगा है, लोग उनकी दिलेरी की तारीफ करते नहीं थक रहे। मौत को मात देकर लौटे मजदूरों, ग्रामीणों और परिजनों को लगता है ये पुनर्जन्म है, कहीं तो भगवान है, उन्होंने खुशी में काली पूजा करने का फैसला किया है। कल तक जहां गम के घने बादल थे, वहां अब जीवन का उल्लास है। तो आप लोग किस जगह पे थे और कितने फीट तक गए हुए थे आप? 200 फीट दूर तरफ हम चल गए, पीछे 200 फीट अंदर। तो जब चाल धसा तो आवाज तो पूरा हुआ होगा? आवाज तो पूरा हो गया, मुंह तो ढाप दिया, मुंह जैसे जाम आ गया सर। उसके बाद तो उसके बाद मन अंदर में था जगह छिपने का? छिपने का जगह था, तो चारों आदमी जाकर हम लोग छिप गए। उसके बाद पूरा माल गिरने लगा, हम लोग बोला कि अभी ठंडा नहीं दीजिए, उसके बाद निकालने के लिए तो हम लोग दो रोज बैठ गए। हम जा पूरा माल गिरने लगा, तो हम लोग बोले क्या करेगा, हम लोग उपाय क्या करेगा निकालने के लिए। चार दिन अंदर में क्या खाए पिए आप लोग, किस तरह व्यतीत किया अपने आप को? वही पानी पी की थी, खजाने के खदान के पानी। पानी अंदर में रहता है, खदान में रहता है, खदान में रहता है, हमें मिलता है खदान में, वही पी के थे, वही पी के वहाँ वहाँ पानी था, वही पी के हम लोग। आप बाहर आके कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है जब घर आ गए, लोगों के बीच में है, गांव वालों के बीच में है, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? महसूस ठीक लग रहा है, बाल बच्चा को ठीक, हमको देखा तो लोग को भी ठीक लग रहा है कि आ गया मेरे को। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in